हाईवे की सड़क पर पानी की निकासी को लेकर वाहन चालकों ने लगाया एक घंटे तक जाम। झालावाड़ जिले के पिपलिया तिराहे पर हिंदुस्तान पेट्रोल पंप के सामने झालावाड़ रोड जाने वाली सड़क पर बारिश का पानी सड़क पर जाम होने से वाहन चालकों के लिए बनी परेशानी। दरअसल झालावाड़ के झालावाड़ रोड जाने वाली सड़क पर पिपलिया चौराहे के समीप सड़क पर 2-3 फीट पानी भरा होने से छोटे बड़े वाहन चालकों को वाहन निकालने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों ने वाहन बंद कर सड़क पर बैठकर टोल प्लाजा के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं 2 किलोमीटर का जाम लगने से एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई। वाहन चालक राजेंद्र कुमार ने बताया कि रेड कोर प्लाजा की लापरवाही आमजन को कहीं भारी नहीं पड़ जाए। लोगों ने बताया कि इन दिनों हाईवे की सड़क नहीं बदहाली के आंसू बहा रही है। आमजन बता रहे हैं कि टोल किस बात का दिया जाता है, टोल प्लाजा पर टोल पूरा दिया जाता तो सेवा अधी अधूरी क्यों दी जाती है। हम आपको बता दें कि रविवार को सुबह 11 बजे वाहन चालकों ने विरोध प्रदर्शन कर बताया कि टोल प्लाजा किसी हादसे का इंतजार में बैठा हुआ है, अगर कोई हादसा होगा तब रेड कोर विभाग की नींद खुलेगी। वहीं लोगों ने बताया कि टोल प्लाजा अधिकारियों के खिलाफ प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने चाहिए। वहीं जाम की सूचना पर मौके पर कांग्रेस नेता भी पहुंचे और वाहन चालकों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द प्रशासन के द्वारा पानी की निकासी करवाई जाएगी। वहीं जागरूक लोगों का कहना है कि अगर इस तरह की सड़क रहेगी तो हम इस सड़क का टोल प्लाजा पर टोल नहीं देंगे। वहीं सूचना के बाद पिपलिया चौकी हेड कांस्टेबल बालचंद्र कांस्टेबल कपिल कुमार ने लोगों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। भवानी मंडी से बीपी न्यूज संवाददाता किशोर तावर की रिपोर्ट।